पूरे हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति महासंघ के माध्यम से हम पूरे वाल्मीकि समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के चलते आज ये छठी मीटिंग यहाँ शिमला में की गई है और इस मीटिंग का उद्देश्य है कि वाल्मीकि समाज को जातीय जनगणना हम करना चाह रहे हैं, हर व्यक्ति को टेलीफोन के माध्यम से जोड़ना चाह रहे हैं, उसकी समस्या को जानना चाह रहे हैं, वो कहाँ पर रह रहा है, किस स्थिति में है, वो सारी स्थिति जो है हमारे पास आएगी और उसके साथ साथ पूरे समाज के लिए जो बेटरमेंट, जो उसके काम, जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो सकता है, उसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाके मीटिंग की जा रही है और उसके चलते ही आज शिमला में यहाँ पर वाल्मीकि सभा द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया और उसमें सभी हमारे भाई बहन यहाँ पर आए हैं और उनसे आज मिलने का अवसर मिला है और उनकी समस्याओं को हमने जाना है और शीघ्र ही इन समस्याओं को लेकर हम सरकार के समक्ष इस मामले को उठाएंगे और जो समस्याएं रखी गई हैं हमारे समक्ष, जिसमें विशेष तौर पे जो ढारे हैं वो रेगुलराइज नहीं हुए हैं और उसके साथ साथ जो सफाई मजदूर हैं हमारे, वो काम जो ठेके पे दिया गया है, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए भी हम लोग जो समस्या हमारे समक्ष आई है उसके समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे और उसके अन्य भी जो समस्याएं हमारे समक्ष रखी गई है उसको सरकार से उठाएंगे और उससे समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसी के चलते पूरे प्रदेश के अंदर ये यात्रा आरंभ की गई है और हम आज यहाँ शिमला में हैं और उसके साथ साथ जो अति पिछड़ा वर्ग और भी जो है, बघारा समाज है, वर्ण समाज है और अन्य जो अति पिछड़ा वर्ग है जिसकी अनदेखी हुई है पिछले 70 वर्षों से, हम उसको भी साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी समस्याओं का भी समाधान करने जा रहे हैं।